खबर अलवर से। सदर थाना अंतर्गत सिलीसेठ झील में सोमवार शाम दोस्तों के साथ घूमने आए एक युवक की सिलीसेठ झील में डूबने के कारण मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस व एनडीआरएफ की टीम शव को बाहर निकालने का सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन मंगलवार दोपहर तक युवक का कोई अता पता नहीं मिला और टीम द्वारा शव को झील में ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। सदर थाना पुलिस प्रभारी राजेश शर्मा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए। जी कल करीब 8-8:30 बजे सूचना मिली थी कि सिलीसेठ झील में कोई व्यक्ति कूद गया है, जिस पर कल भी मौके पर आए थे और मालूमात करने से पता लगा कि ये चार व्यक्ति थे, एक साथ यहाँ मोटरसाइकिल लेकर घूमने के लिए आए थे, जिनमें से एक व्यक्ति संदीप पुत्र लक्ष्मण प्रजापत ये तसिंग गांव का रहने वाला है, ये इस झील में कूद गया और उसके बाद रात्रि को तलाशना संभव नहीं हुआ। आज सुबह मॉर्निंग में एसडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से यहाँ मृतक जो है कूदा है उसकी बॉडी की तलाश कर रही है झील में, और अभी तक तलाश के दौरान मिली नहीं है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।